अस्सलाम वालेकुम। मदार का कैमोनार में क्या किरदार है, क्या रोल है? लोग चीज़ों को जारी कर लेते हैं, मोमिया कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी कैमोनार जो है वो कच्ची होती है, वो पुख्ता नहीं होती है। कहते हैं जी ये अगवास नहीं हो रही, ये उस मेटल के अंदर दवा को हमने तरा किया। फॉर एग्जांपल हमने आर्सेनिक को तैयार किया, तो हम उसको जब तांबे पे तरा करेंगे तो उसके अंदर दाखिल नहीं होती, ऊपर जल पड़ी रहती है और कुछ लम्हे बाद जो है वो जल जाती है। इसका क्या किरदार है, ये अगवासी क्यों नहीं है, ये कैमुनार क्यों नहीं है, क्यों जल जाती है? तो मैं आप लोग को ये कहूँगा, अगर आप चीज़ों को जारी कर लेते हैं, मोमिया कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ख्याल रखें कि आपने उस चीज़ को कैमुनार किस में किया। तो कैमुनार करने के लिए कम से कम आपके जहन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए, आप जो लाग दे रहे हैं, आप जो एक चीज़ के साथ बना रहे हैं चीज़ को कैमुनार कर रहे हैं, वो आपकी मदार ज़रूर होना चाहिए। अख की लाग जो है वो बेसिकली ज़रूरी है, ये चीज़ों को वासी करने में बहुत हेल्प देती है। लोग बड़ी बड़ी दुआएं तैयार कर लेते हैं लेकिन वो वास नहीं होती, वो अंदर दाखिल नहीं होती। जब अंदर नहीं दाखिल होगी तो वो रंग कैसे देगी? तो वासी करने के लिए मदार की लाग जो है वो बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।